हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होती है और किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम का यूज करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें क्विक सॉर्ट की तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम एक फेमस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी अनऑर्डर लिस्ट को एक ऑर्डर में सेट करते हैं। इट इज सॉर्ट द गिवन डेटा टर्म इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या करता है, किसी भी अनऑर्डर लिस्ट या जो भी डेटा दिया होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, सॉर्ट करता है। इट इज यूज टू आइडियाज। इसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड एंड कॉन्कर के अप्रोच को यूज करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो डिवाइड एंड कॉन्कर का अप्रोच क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको हमने दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। अब इन दो सब प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं कि इनको चार सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। तो इन चार प्रॉब्लम्स, अब ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम डिवाइड हुई हैं इनको क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली टारगेट करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और जब सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है तो इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसी को हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कहते हैं। मतलब किसी भी बड़ी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हमें क्या करना है कि अगर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उसको इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आगे बात करें क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज हम कहाँ करते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम को सॉल्व करने में क्या करते हैं, हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम क्या है, आखिर किस अप्रोच को फॉलो करके हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होगी तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट एज लिस्ट का क्या होगा, पायोट एलिमेंट होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट हमारा क्या होगा, पायोट एलिमेंट होगा। उसके बाद डिफाइन टू वेरिएबल्स, दो डिफाइन हमें वेरिएबल करना है, डिफाइन करना है आई एंड जे। सेट आई आर द फर्स्ट एंड जे इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, जैसे हमारे पास अगर हम बात कर ले, हमारे पास क्या है, एक एरे है यहाँ पे। ठीक है, एक एरे है, इसमें हमने मान लिया कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो पहला एलिमेंट होगा ये हमारा क्या होगा, पायोट एलिमेंट होगा। और हमें आई और जे दो एलिमेंट्स डिफाइन करना है। मान लिया आई क्या हमारा हो गया पहला एलिमेंट और जे क्या हमारा हो गया दूसरा एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आई अंटिल, अगर लिस्ट आई इज ग्रेटर देन है पायोट एलिमेंट देन स्टॉप कर देंगे। अगर पायोट एलिमेंट की से हमारी लिस्ट की वैल्यू, लिस्ट आई की वैल्यू बढ़ी, मतलब अगर P से I की वैल्यू ग्रेटर है तो वहां पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, रोक देंगे। ठीक है, डिक्रीमेंट में क्या होता है, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब यहां से आगे बढ़ते हुए जब यहां से आगे जाएंगे तब। अब डिक्रीमेंट में क्या होता है कि जस्ट अनटिल लिस्ट J, जो भी हमारी लिस्ट J होगी अगर उससे बड़ा पायोट एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर उससे बड़ा पायोट एलिमेंट हुआ, इज J इज लेस देन पॉइंट एलिमेंट से, मतलब जे की वैल्यू पॉइंट एलिमेंट से छोटी होगी तो वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। अब इनमें क्या होता है कि अगर आई की वैल्यू क्या है, लेस देन हो जाए जे से। ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन जे हो जाए देन हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज लिस्ट आई एंड लिस्ट जे, यानी जो भी हमारी लिस्ट आई है इसमें और लिस्ट जे में स्वैप ऑपरेशन को परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपीट द स्टेप 3, 4, 5 अनटिल द आई इज ग्रेटर देन जे। जब आई की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है जे से तब क्या करते हैं, अगर इन केस क्या हो गई कि आई की वैल्यू जे से बड़ी हो गई। ठीक है, तो उस केस में एक्सचेंज द पायोट एलिमेंट विद द लिस्ट जे, तो उसके समय क्या पायोट एलिमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं लिस्ट जे के साथ। ठीक है,
अब आगे इस चीज को सॉल्व करते हैं एग्जांपल के हेल्प से। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट हैव टू सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर। कुछ एलिमेंट्स हमें दिया है जिनको क्या करना है, हमें एक सॉर्टेड करना है, सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या 25, 10, 30, 15, 20 और 28 है। यहाँ पे इंडेक्सिंग हमने कर लिया एरे की A0, A1, A2, A3। यह इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, तो सबसे पहले हमने आई को लेफ्ट बनाया है और जे को राइट बनाया है, ठीक है। और पायोट एलिमेंट को हम एलओसी यानी लोकेशन मान के चलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एंड एलओसी पायोट एलिमेंट हो गया, जो पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, राइट पॉइंट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। मतलब कह रहा है कि जो एलओसी है यानी लोकेशन है और लेफ्ट एलिमेंट है यहाँ पे हमारा, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं और राइट वाला क्या कर रहा है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। सो बिगनिंग विद विद सेट एलओसी 0 एंड लेफ्ट 0 एंड 5 इज 5, राइट इज 5। राइट का मतलब 5 का मतलब इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 है इसकी वैल्यू, इसकी 5। अब स्टेप 2, पहला स्टेप तो हमने कर लिया कि सबसे पहले हमने क्या किया कि लोकेशन यानी पायट एलिमेंट और लेफ्ट एलिमेंट को पहले एलिमेंट के ऊपर रखा और राइट एलिमेंट को, राइट को हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट के ऊपर रखा। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि सिंस एलओसी जो लोकेशन हमारा है पॉइंट एट लेफ्ट, जो एलओसी हमारा है, एलओसी मतलब लोकेशन पॉइंट कर रहा है लेफ्ट, लेफ्ट को, ठीक है। सो एल्गोरिथम स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड मूव टूवर्ड लेफ्ट। तो हम एल्गोरिथम को कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे लेफ्ट साइड। तो यहां पे क्या हो गया कि जब 18, देखो यहां पे क्या था, 28 को पॉइंट कर रहा था, अब यहां से हमने लेफ्ट मूव किया, आ गए हम A4 पे, A4 यानी 20 पे आ गए। तो यहां पे क्या हो गया कि A जो लोकेशन की वैल्यू थी उससे बड़ी वैल्यू क्या हो गई, A राइट की वैल्यू हो गई, लोकेशन की वैल्यू से छोटी हो गई, ठीक है। लोकेशन हमारा क्या है कि ग्रेटर देन है, सो मूव द राइट वन पोजिशन टुवर्ड लेफ्ट एज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इन दोनों में क्या करेंगे हम, स्वैप परफॉर्म करा देंगे, क्योंकि जो आई की वैल्यू है ये क्या है कि जे, एक मिनट, हाँ, लेफ्ट की वैल्यू से, लेफ्ट की वैल्यू क्या हमारी ग्रेटर है आई की वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या करेंगे परफॉर्म करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 20 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया। अब हमारा लोकेशन जो है यानी पॉइंट एलिमेंट अब यहाँ पे आ चुका है। तो थ्री में क्या करेंगे, सिंस जो भी हमारे पास पॉइंट पॉइंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, 25 को पॉइंट कर रहा है। अब इधर से क्या करेंगे हम, लेफ्ट से मूव करते हैं राइट साइड। जब लेफ्ट से राइट साइड मूव करेंगे तब क्या होगा हमारा कि अब 20 से हम आए 10 के पास, ठीक है। फिर 10 से आए 30 के पास, कब तक आएंगे, जब तक कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है पॉइंट एलिमेंट से ग्रेटर देन नहीं मिल जाता, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब यहाँ पे 30 से हमें ग्रेटर देन वैल्यू मिल गई लेफ्ट, तब हम क्या करेंगे इन दोनों में क्या करेंगे, स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। अब स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कराए तो 25 यहां आ गया, 30 यहां आ गया, ठीक है। अब इसी तरह क्या करेंगे अगले पार्ट में, तो हमारा लोकेशन क्या है, मतलब पार्ट एलिमेंट 25 यहां पे आ गया, ठीक। अब लेफ्ट हमारे पास यहां है, अब हम क्या किए, राइट को वो लेफ्ट साइड मूव कर लिए, राइट को लेफ्ट साइड मूव किए यानी 15 पे, मतलब अब 25 से छोटा एलिमेंट हमारे पास 15 मिल गया। जब 15 छोटा एलिमेंट मिल गया तो फिर से हम क्या करेंगे, स्वैप ऑपरेशन करा देंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। स्वैप ऑपरेशन जब परफॉर्म कराएंगे तो हमारा पॉइंट एलिमेंट यानी एलओसी जो है यहाँ पे आ गया 25 पे, राइट इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, फिर से हम लेफ्ट वाले एलिमेंट को जब लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेंगे 25 को। जब 25 को पॉइंट करेंगे तो कुछ टर्म एंड कंडीशन बनेंगे, यानी जो पॉइंट है यानी लोकेशन है लेफ्ट एंड राइट पॉइंट टू एट द सेट इज सेम एलिमेंट, तो तब क्या होगा, दिस इंडिकेट द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोड्यूशन, मतलब जो भी टर्मिनेट करने को कह रहा है इसको, द पॉइंट एलिमेंट 25 इज द प्लेस्ड इन द फाइनल पोजिशन, मतलब 25 अपने फाइनल पोजिशन पे आ चुका है, अब इससे ज्यादा उसमें चेंजमेंट नहीं होगा। ऑल एलिमेंट ऑफ द राइट साइड ऑफ द एलिमेंट इज 25 से ग्रेटर, जो राइट साइड वाले हमारे पास एलिमेंट है ये 25 से ग्रेटर है और लेफ्ट साइड वाले जो भी एलिमेंट है ये हमारे यहाँ 25 से लेस देन है, ठीक है। तो यही एक कह रहा है कि जो ऑल द एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द 25 स्मॉलर देन और जो राइट साइड है वो ग्रेटर देन है,
तब क्या होगा कि इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, एक सब प्रॉब्लम ए बन जाएगी, दूसरी सब प्रॉब्लम्स ए बन जाएगी। अब हम 20, 10 और 15 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद इधर 30 और 28 के ऊपर पर ऑपरेशन परफॉर्म करते। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर सॉल्व किया। अगर बात करें इसको, अगर हम मान लेते हैं लेफ्ट पर, ठीक है, अगर इसको हमने येलो सी मान लिया, डिवाइड करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा, राइट हमारा यहाँ पे होगा। जब राइट यहाँ पे होगा तो राइट क्या है कि 25 से छोटा, तो इसको क्या करेंगे, मूव कर लेंगे, ठीक है, इसको मूव कर लेंगे इस जगह पे, तो 15 इधर आ जाएगा, येलो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, येलो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 और 15, तो 15 क्या है कि फाइनल फिर से जब हम मूव करते जाएंगे तो 15 अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर से प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेंगे। इधर क्या हो जाएगा, 15 हमारा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इन दोनों में हम ऑपरेशन को स्वैप कराएंगे। तो इसी तरह सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में अगर बात करें तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या लगती है हमारे पास, बेस्ट केस में n log n लगती है, वर्स्ट केस में n स्क्वायर लगती है, और एवरेज केस और बेस्ट केस में सेम लगती है, ठीक है। आगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बीगो ऑफ लॉग एन लगता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स थे, जिस तरह की जहां यहां तक जिस स्टेप को हमने फॉलो किया आगे भी वो स्टेप्स फॉलो करेगा, बस अब क्वेश्चन क्या है, हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।